Hey guys, this is Shahzadrasool Sajjan and you are watching Mr. Sajjan YouTube channel. Today we are going to create snowfall particle animation like this. We are in Adobe After Effects. As usual, हम सबसे पहले एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाएंगे और उसका नेम मैं लिखूंगा मेन कॉम्प 1920x1080 30 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड 10 सेकेंड ड्यूरेशन. और इसमें एक और न्यू कॉम्पोजिशन बनाऊंगा मैं, बैकग्राउंड सेम सेटिंग्स. और बैकग्राउंड कॉम्पोजिशन में हम, ये मेरे पास एक इमेज है, इसको ड्रॉप करेंगे. स्केल ओपन करके इसका स्केल जो है वो यहाँ से मैं कंपोजिशन के हिसाब से सेट कर लिया मैंने. आप कोई सा भी इमेज यूज़ कर सकते हैं. ओके, उसके बाद मैं एक न्यू सॉलिड लेयर बना रहा हूँ और इसका नेम मैं लिखूँगा पार्टिकल्स 1920x1080. पार्टिकल सॉलिड लेयर के ऊपर हम एफेक्ट्स एंड प्रीसेट से अप्लाई करेंगे सीसी स्नोफॉल. एंड सिंपली कुछ सेटिंग्स हैं वो आप कर लें. फ्लेक्स जो है वो 7000, साइज 5, वेरिएशन साइज 50% एंड सीन डेप्थ जो है वो 10000. स्पीड 250 है, हम 250 रहने देंगे. एंड वेरिएशन स्पीड जो है वो हम 50 है, 50 रहने देंगे. एंड विंड जो है वो 0 है तो 0 ही रहने देंगे. एंड वेरिएशन विंड जो है वो यहाँ से 20 कर देंगे. एंड स्प्रेड 15 है तो ये 15 ही रहने देंगे. कलर वाइट है, ये वाइट ही रहेगा. एंड ओपेसिटी जो है वो 100% लाइटिंग. ओके, तो ये एनिमेशन कुछ इस तरह से, ये अभी ठीक तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ. इस तरह से ये एनिमेशन बना है. इसके पीछे हम इमेज सेट करेंगे सिंपली. अगेन हम पार्टिकल सॉलिड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर ग्रेडियंट रैंप अप्लाई करेंगे. और ग्रेडियंट रैंप में हम कलर सेलेक्ट करेंगे. आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं कुछ कलर्स इस तरह से ले रहा हूँ. लाइक फर्स्ट ये वाला कलर एंड द सेकेंड ये वाला कलर. ओके, और अभी ये कलर जो है ये ऊपर ग्रेडियंट आ चुका है. तो सिंपली आपने क्या करना है कि ये कंपोजिट विद ओरिजिनल जो लिखा हुआ है इसको आपने अनचेक कर देना है. एंड लेट्स सी, तुम्हारा ग्रेडियंट कलर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है. पार्टिकल सॉलिड लेयर को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और प्री कंपोज करके यहाँ पे मैं इसका नेम स्नोफॉल लिख रहा हूँ. मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन. और हमने बैकग्राउंड जो कंपोजिशन बनाया था वो मैं इसके नीचे ड्रॉप करूँगा. तो अभी आप ये देख सकते हैं. बट बैकग्राउंड कंपोजिशन को सिलेक्ट करें, टी प्रेस करें ओपेसिटी के लिए और यहाँ से इसका ओपेसिटी जो है वो 20% कर दें. ब्यूटीफुल एनिमेशन. ओके, अगर आपको ऐसे ही परफेक्ट लग रहा है तो बहुत अच्छा है. बट मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा. अगर आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो आपको जिस तरह से ये कलर नज़र आ रहे हैं कि ये कलर्ड है, आपको अगर चाहिए कि ये ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए तो बैकग्राउंड कंपोजिशन के ऊपर आपने जस्ट टिंट अप्लाई करना है. ओके, तो ये ब्लैक एंड वाइट हो चुका है. ऐसे भी ठीक है और टिंट के साथ भी ठीक है. ये फाइल आप एज इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह निगबान.